इस मूवी में हम लोग देखने वाले हैं एक ऐसी स्टोरी जिसमें कि एक लड़के को अपने ही दोस्त की मॉम से प्यार हो जाता है और ये दोनों धकापेल कार्यक्रम भी कर बैठते हैं। अब आगे चल के इस मूवी में और क्या क्या होता है यही हम आज की एक्सप्लेनेशन में देखने वाले हैं। तो वीडियो के एंड तक बने रहना एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना अगर आप लोग नए आए हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। कहानी की शुरुआत में हम लोग स्टीव नाम के एक लड़के को देखते हैं जो कि अभी अपने घर में आता है और देखता है कि उसकी मॉम ने कुछ जहर की गोलियां खा ली हैं। उनके सराहने कुछ लेटर्स भी पड़े हुए थे। हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि स्टीव को पता पड़ जाता है कि ये बेहोश हो चुके और शायद मरने भी वाली हैं। तो स्टीव उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवा देता है। अब हॉस्पिटल में उनका उपचार चल रहा था और घर पर पुलिस वाले आते हैं स्टीव से पूछताछ करने के लिए। तो वो उन्हें बताता है कि शायद मेरी मॉम को पता पड़ गया है कि मेरा अपने फ्रेंड की मॉम के साथ अफेयर चल रहा है और शायद इसलिए उन्होंने ये टेबलेट्स खाई हैं। तो हम देखते हैं स्टीव पुलिस ऑफिसर को अपनी कहानी सुना रहा होता है और ये मूवी डायरेक्ट फ्लैशबैक में चली जाती है। हम लोग देखते हैं कि जो स्टीव की मॉम है वो एक अल्कोहलिक है और बहुत ज़्यादा शराब पीती है और अपने बच्चों को ध्यान नहीं रखती। वो उनसे बार बार ये भी कहती है कि मैं तुम्हारे डैड को डाइवोर्स दे दूंगी। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक स्टीव की बहन भी होती है जो कि कोठे पे धक्का पेल कार्यक्रम करती है। हम लोग देखते हैं यहाँ पर स्टीव का एक फादर होता है जो कि उनकी मॉम की तरह ही उनका बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखता और उनसे कहता है कि मैं तुम्हारी मॉम को डाइवोर्स दे दूंगा। तो बेसिकली जो स्टीव की लाइफ थी वो स्टेबल नहीं थी। हम लोग यहाँ पर एक लड़की को भी देखते हैं जो कि स्टीव का क्रश थी। स्टीव चाहता था कि वो उसे प्रपोज करे और बाकी की सारी लाइफ उसके साथ बिताए। इसके बाद हम लोग यहाँ पे लूसी नाम की एक औरत को देखते हैं जो कि उसकी फ्रेंड की मॉम थी। अब यहाँ पर उसकी फ्रेंड की मॉम लूसी अपने बेटे को कुछ काम के लिए भेज देती है और यहाँ पर वो स्टीव के साथ धक्का पेल कार्यक्रम करती है जहाँ पर हमें पता पड़ता है कि इन दोनों का यहाँ पर अफेयर चल रहा है। अगले दिन हम लोग स्टीव को देखते हैं जो कि स्कूल आ जाता है और यहाँ पर स्कूल आने के बाद उसे पता पड़ता है कि उसकी जो क्रश थी उसका अभी अभी अपने बॉयफ्रेंड के साथ ब्रेकअप हो गया है। तो वो उसे प्रपोज करने की कोशिश करता है। हम लोग देखते हैं कि यहाँ पर एक टीचर आते हैं जो कि क्लास में आता है। यहाँ पर उनकी डेथ हो जाती है, उन्हें हार्ट अटैक आता है, तो सारे बच्चे बाहर आ जाते हैं। अब यहाँ पर स्टीव मौका देखकर यहाँ पे उस लड़की के साथ यानी जिसका नाम एलेक्स आता है जो कि स्टीव की क्रश थी उसके साथ वो प्रपोज करने की कोशिश करता है। पर तभी यहाँ पर उस लड़की का बॉयफ्रेंड आ जाता है यानी कि एलेक्सा का बॉयफ्रेंड, और एलेक्सा उसके सामने ही स्टीव से कहती है कि मैं तुम्हारे साथ कॉफ़ी पे चलना चाहती हूँ। अब ये लोग यहाँ पर हम देखते हैं ये लोग कॉफ़ी पे तो नहीं आते, बजाय ये लोग जो टीचर की डेथ हुई थी उसके फ्यूनरल में आ जाते हैं। हम लोग देखते हैं ये लोग बातें कर रहे होते हैं। स्टीव यहाँ पर अपनी पर्सनैलिटी झाड़ते हुए कहता है कि टोनी कक्कड़ मेरा बहुत ही अच्छा दोस्त है और मैं उसके कॉन्सर्ट में जाने वाला हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ चलो। तो यहाँ पर जो लड़की होती है एलेक्सा वो भी राजी हो जाती है क्योंकि उसे भी टोनी कक्कड़ बहुत पसंद था और बेशक क्यों ना हो लड़कियों की पहली पसंद टोनी कक्कड़ है। अब हम लोग देखते हैं पीछे से एक गाड़ी इनको टक्कर मार देते और ये लोग बाहर जाते हैं लड़ने के लिए। तो इन्हें पता पड़ता है कि वो गाड़ी उस चर्च के फादर की थी और उन्होंने गलती से इनकी कार को टक्कर मार दी थी और वो ये भी कहता है कि मैं तुम्हारी कार को एक रिपेयर शॉप में ठीक करवा दूँ। अब स्टीव ने अपनी पर्सनैलिटी तो झाड़ दी थी टोनी कक्कड़ के कॉन्सर्ट की, पर अब उसके पास पैसे नहीं थे तो वो एक ड्रग डीलर के पास जाता है कुछ पैसे कमाने के लिए और वो डीलर उससे कहता है कि मैं तुम्हें टिकट दे दूंगा पर तुम्हें मेरे लिए कुछ काम करना पड़ेगा और तुम्हें मेरी एक ड्रग मेरे एक डीलर को पहुँचानी पड़ेगी। तो यहाँ पर एक काम करता है स्टीव उसकी ड्रग्स को लेकर एक डीलर को दे देता है और साथ ही साथ वो उसे देने से पहले उसमें से कुछ गोलियाँ निकाल लेता है अपने लिए जोश जगाने के लिए। अब अगले दिन हम लोग देखते हैं बस उसे एक कार की जरूरत थी तो यहाँ पर लूसी के पास जाता है उसके साथ धक्का पेल करता है और उसकी कार को वहाँ पे मांग लेता है। हे गाइज वेट वेट वेट, मैं आप सभी लोगों के लिए एक दूसरा चैनल बनाया है जहाँ पर मैं कुछ पॉपुलर नेम्स को एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप लोग कमेंट करके बताइए इस वीडियो में कि आप लोगों को कौन सा नेम पसंद है, मैं उसकी एक्सप्लेनेशन आप लोगों को अपने दूसरे चैनल पर दूंगा। इस चैनल का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जाकर सब्सक्राइब कर लेना एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। चलिए कंटिन्यू करते हैं। हम लोग देखते हैं कि वो जो लूसी होती है वो उसे कार ऐसे ही नहीं देती, वो कहती है कि मेरा बेटा भी तुम्हारे साथ जाएगा यानी कि मैक्स। अब हम लोग देखते हैं स्टीव और मैक्स उसी कार को लेकर उस डीलर के पास आ जाते हैं और उसने जो उसे ड्रग बेची थी वो उसके पैसे उसे वापस कर देता और वो उसे टिकट मांगने के लिए जाते हैं, पर वो उन्हें चूतिया कह के भगा देता है। अब क्योंकि इन लोगों को टिकट्स नहीं मिल पाई थी तो ये लोग परेशान थे, पर तभी वहाँ पर एलेक्सा भी आ जाती है और वो टिकट्स की पूछते तो स्टीव उससे कहता है एलेक्सा कि टिकट्स मुझे नहीं मिल पाई और मैं बहुत ज़्यादा अपसेट हूँ। अगले दिन हम लोग देखते हैं ये लोग कॉलेज में जाते हैं अपने और वहाँ पर एक नई टीचर आती है इनको पढ़ाने के लिए, पर अनफॉर्चुनेटली पढ़ाते पढ़ाते उनकी भी डेथ हो जाती है। अब ये लोग वापस अपनी क्लास के बाहर आ जाते हैं और यहाँ पर हम देखते हैं उस मैकेनिक का कॉल आता है स्टीव को जो कि उसकी मॉम की कार को रिपेयर कर रहा था और वो उससे कहता है कि कार को रिपेयर करने में अभी एक हफ्ता और लग जाएगा। पर स्टीव यहाँ पर एक हफ्ते का वेट नहीं कर सकता था तो वो वहाँ पर जो होता है मैकेनिक वो अपनी 3 करोड़ की एस्टन मार्टिन स्टीव के पास भिजवा देता है। अब इन लोगों के पास एक तगड़ी सी कार का इंतजाम हो गया था। ये लोग उस कार को लेके नाइट आउट के लिए निकल जाते हैं इनकी स्टीव एलेक्सा एंड मैक्स। अब यहाँ पर हम लोग देखते हैं इनको रास्ते में पुलिस पकड़ लेती है। पुलिस का पकड़ने का रीज़न ये था कि यहाँ पर उसकी मॉम की कार में उस गैराज को जो ठीक कर रहा था, गैराज में उनकी कार को जो ठीक कर रहा था उसकी डेड बॉडी उसकी मॉम की कार में ही मिली है।
हम लोग देखते हैं स्टीव को पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है, पर तब यहाँ पे एक लॉयर आ जाती है और उस लॉयर को यहाँ पर उस चर्च के फादर ने भेजा था स्टीव की हेल्प करने के लिए। हम लोग देखते हैं कि वो जो लॉयर होती है दिखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती है और जो स्टीव का तंबू होता है उसे देख के खड़ा हो जाता है। वो लॉयर भी अब स्टीव को बचा लेती है क्योंकि उसे भी स्टीव अच्छा लगने लगा था। हम लोग देखते हैं स्टीव वापस अपने घर पर आ जाता है और हम लोग देखते हैं कि जो स्टीव के दोस्त की मॉम होती है यानी कि लूसी, वो भी उनके घर में आ जाती है। हम लोग देखते हैं जो लूसी किचन में खाना बनाने के लिए जा रही होती है तो स्टीव भी उसके पीछे पीछे जाता है, पर लूसी यहाँ पर उसके ऊपर हमला कर देती है उसके साथ धकापेल कार्यक्रम करने के लिए। पर स्टीव को ये चीज़ें बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही थी। पर तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर मैक्स आ जाता है और मैक्स को अपनी मॉम की हरकत पसंद नहीं आती, तो यहाँ पर स्टीव मैक्स से कहता है कि इनको तो दूसरे रूम में बंद कर दो। हम लोग देखते हैं ये लोग फ्री होते हैं, पर तभी यहाँ पर दोस्तों एलेक्सा भी आ जाती है और वो स्टीव के नज़दीक आने वाली होती है। ये लोग किस करने वाले होते हैं। अब स्टीव की तलवार भी अटैक करने के लिए रेडी थी, पर यहाँ पर कबाब में हड्डी बनने के लिए लूसी इनके बीच में आ जाती है, जिससे कि यहाँ पर एलेक्सा को पता पड़ जाता है कि स्टीव का यहाँ पर अफेयर चल रहा है लूसी के साथ, जो कि उसकी उम्र से बहुत ही ज़्यादा बड़ी है, और वो उसके साथ ब्रेकअप करके वहाँ से चली जाती है, जिसे देखकर स्टीव को बहुत ही बुरा लगता है। पर तभी हम लोग देखते हैं वहाँ पर पुलिस आ जाती है और पुलिस यहाँ पर इन सभी लोगों को अरेस्ट कर लेती है एक जुर्म में कि इन लोगों ने इस पार्टी में एक ड्रग्स का यूज़ करा था। अब यहाँ पर ये सभी लोग जेल में चले जाते हैं बजाय स्टीव के, क्योंकि स्टीव के पास एक लॉयर था। हम लोग यहाँ पर एलेक्सा को देखते हैं जो कि स्टीव से कहते हैं मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, पर अब मैं तुम्हें पसंद नहीं करती जब तक मुझे तुम्हारे इसके बारे में पता पड़ा, तुम्हारे अफेयर के बारे में। अब हम लोग देखते हैं जो कहानी है वो फिर से प्रेजेंट में जाती है। हम लोग स्टीव को देखते हैं जो कि यहाँ पर लूसी को ब्रेकअप लेटर देने के लिए आया था। अब हम लोग स्टीव को देखते हैं जो कि अपनी मॉम के पास जाता है उन्हें थोड़ा सा सराहना उन्हें देने के लिए कि उनका बेटा उनके साथ है। इसकी जो मॉम थी वो हॉस्पिटल में एडमिट थी। हम लोग देखते हैं कि जो स्टीव होता है वो अपने दोस्तों की बेल करवाने के लिए उसी लॉयर के पास जाता है और लॉयर उसके साथ धागा पेल करती है और उसके बदले उसके दोस्तों को बेल करवा देती है। अब हम लोग देखते हैं कि जो स्टीव था वो फिर से अपनी मॉम के पास जाता है और उसे थोड़ा सा मोटिवेट होने के लिए, और वो देखता है कि यहाँ पर जो एलेक्सा है वो भी उसी हॉस्पिटल में काम करती है। और फाइनली कुछ दिनों बाद स्टीव की लाइफ में सब कुछ ठीक होने लगा था। उसकी जो मॉम थी वो भी वापस घर को आ गई थी और हम देखते हैं कि जो एलेक्सा थी उसको भी स्टीव के प्रति आकर्षण दिख रहा था, तो वहाँ पर उसको प्रपोज करने के लिए जाती है और स्टीव भी अपनी एक बात क्लियर करता है कि अब मेरा लूसी के साथ कोई भी अफेयर नहीं है। हम लोग देखते हैं कि ये दोनों एक दूसरे को प्यार करने लगते हैं और लास्ट में किस करते हैं। दोस्तों कुछ इसी तरह ये मूवी यहाँ पर खत्म हो जाती है। अगर आप लोगों को एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना। तब तक के लिए बाय बाय, फिर मिलते हैं एक नई एक्सप्लेनेशन के साथ।